ये वाला सोलर मॉड्यूल सबसे अच्छा है, नहीं ये वाला सोलर मॉड्यूल सबसे अच्छा है, नहीं भाई ये वाला सोलर मॉड्यूल सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों कहीं कोई सर्टिफिकेशन भी है जिससे ये पता किया जा सके भाई ये वाला सोलर मॉड्यूल बेहतर है और हम इसे ले सकते हैं? क्या कोई सर्टिफिकेशन भी होता है इन सोलर मॉड्यूल्स का? जी हाँ दोस्तों, इन सोलर मॉड्यूल्स का सर्टिफिकेशन भी होता है, इनको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है और हम इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं BIS सर्टिफिकेशन की। जी हाँ दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का एक सर्टिफिकेशन है जो इन सोलर मॉड्यूल्स के लिए होता है और आप इन BIS सोलर मॉड्यूल्स को भरोसे के साथ अपने सोलर सिस्टम के लिए खरीद सकते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। इनफैक्ट इट्स अ 100% सोलर रिलेटेड यूट्यूब चैनल और आज की डेट में आप लोगों की दुआ से यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी इसी चैनल के हैं। तो अगर आप भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं या सोलर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन और इंटीमेशन दोनों आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं BIS स्टैंडर्ड्स को और इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो चेक किए जाते हैं और आप इन सर्टिफिकेट्स को कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई ये किसके नाम पे है और किस किस मॉड्यूल्स को ये BIS सर्टिफिकेट मिला है। और हाँ, इस वाली वीडियो में ही मैं आपको आज की डेट में जितने भी BIS अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी लिस्ट भी शेयर करूंगा। तो इस वाली वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, ये आपके ही काम की चीज़ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि भाई जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि हम एक फ्री गिव अवे, यानी कि ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 1 किलोवाट का ग्रिटनेक सोलर रूफटॉप सिस्टम का DIY किट का एक बुक था जो श्वेता जी ने लिखा था, इसे हमने फ्री गिव अवे की तरह दिया था। तो ये वाली जो बुक है वो हमने 100+ सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आप अगर मिस आउट हो गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम आपको भी ये बुक शेयर कर देंगे। द ओनली थिंग इज आप हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए और सब्सक्राइबर होना कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे एक आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन दिख रहा होगा, आपको बस वही प्रेस करना है एंड इट्स फ्री। अब आइए ये BIS स्टैंडर्ड्स को समझ लेते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई आज की डेट में मार्केट में अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग मॉडल्स के मॉड्यूल्स बेच रहे हैं। अब ये मॉड्यूल्स कई जगहों पर सोलर मॉड्यूल्स के नाम पे बेचे जाते हैं, कई जगहों पे सोलर प्लेट्स के नाम पे बेचे जाते हैं, कई जगहों पे पैनल्स के नाम पे भी बेचे जाते हैं, बट ऑल टुगेदर जो मैं बात कर रहा हूँ वो सोलर मॉड्यूल्स की बात होती है और उसमें ही BIS स्टैंडर्ड्स की मैं बातें बताने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को भी मालूम होगा कि भाई हर मैन्युफैक्चरर की अपनी अपनी USP होती है, दैट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट। अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट को लेके वो लोग मार्केट में बेचते हैं और इसी को देख के या सोलर इंडस्ट्री में जो डिमांड क्रिएट हो रही है इसको देख के कुछ स्टैंडर्ड्स की बातें की गई और इसी को ध्यान में रख के ये BIS स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल पे लाया गया। तो आज की डेट में BIS स्टैंडर्ड्स के मॉड्यूल्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और जो लोग बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऑलरेडी इसको अप्लाई कर चुके हैं या कई लोग अभी इसे अप्लाई भी कर रहे हैं। मोटा मोटी आपको एक मार्केट में सही स्टैंडर्ड का सिस्टम मिल जाएगा। अब इसमें जो बेसिक सर्टिफिकेशन होती है वो है IS 14286, दैट इज IEC 61215 और साथ ही में IS/IEC 61730 Part 1 और साथ ही में 61730 Part 2। अब ये तो हो गया BIS का नंबर जो कि हर अप्रूव्ड या जो BIS सर्टिफाइड मॉड्यूल है उसके ऊपर ये छपा हुआ आएगा। अब भले ही मार्केट में आप मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल खरीदने जाएं, मोनोपर्क मॉड्यूल खरीदने जाएं या मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल खरीदने जाएं, इन तीनों या जितने भी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स हैं या फिर बोल दें थिन फिल्म वाले मॉड्यूल्स, इन सब के ऊपर BIS सर्टिफिकेशन लागू हो चुका है। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं ये MNRE का गाइडलाइंस है या जो सर्कुलर है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आप खुद ही देख लीजिए कि भाई कौन कौन से मॉड्यूल्स के ऊपर कौन कौन सा सर्टिफिकेशन है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई IS 14286 और 61730 Part 1 Part 2 ये सब इस पर लागू है। तो यहाँ पे देखने और समझने वाली बात यह है कि भाई आप जो भी मॉड्यूल खरीदें उसका एक मॉडल नंबर होता है और उस मॉडल को BIS सर्टिफिकेशन मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई BIS सर्टिफिकेट किसी मैन्युफैक्चरर को मिल गया और वो दनादन हर मॉडल के ऊपर चिपकाते जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने मॉड्यूल्स या जितने मॉडल्स उन्होंने BIS सर्टिफिकेशन के लिए दिए होंगे और जो उसमें क्वालिफाई किए होंगे उन्हीं मॉड्यूल्स या उन्हीं मॉड्यूल्स को BIS सर्टिफिकेशन मिलता है।
मतलब कि 1250 को अगर उन्होंने दिया, 1270 का दिया, 1200 का दिया, या 24330, 24360, 24380, ये मॉडल के रेंज होते हैं, ये मॉडल्स होते हैं। और इनके जो मॉडल नंबर्स होंगे उस मैन्युफैक्चरर के, वो अगर इसमें क्वालिफाई किए होंगे तो ही वो उन मॉड्यूल्स के ऊपर या उन मॉडल नंबर पे अपना ये BIS नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे BIS नंबर इट्स नॉट ओपन, जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को मिलेगा, इतना आप देख लीजिए। अब आइए एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नोवासिस का BIS सर्टिफिकेट है, जहाँ पे उनका नाम, अता पता, मैन्युफैक्चरर का पूरा अता पता पूरा कुछ लिखा होता है, और साथ ही में वहाँ पे एक R नंबर भी दिया हुआ है, दैट इज उस सर्टिफिकेट का नंबर। BIS का नंबर अलग है, बट जिस मैन्युफैक्चरर को सर्टिफिकेट मिला है उसको एक R नंबर भी मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोवासिस का ये R नंबर है, और उसके साथ एक वैलिडिटी भी दी हुई है कि मतलब कि ये सर्टिफिकेट इस तारीख से लेकर इस तारीख तक वैलिड है। तो देर इज़ ए टाइम ड्यूरेशन ऑल्सो, ऐसा नहीं कि भाई एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो ज़िंदगी भर उसे छापता रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देर इज़ ए सर्टिफिकेट, देर इज़ ए वैलिडिटी, देर इज़ ए R नंबर ऑल्सो, और आप इस R नंबर की मदद से ये चेक कर सकते हैं कि भाई ये सर्टिफिकेट किसके नाम पे इशू है। सपोज़ कीजिए कि भाई आपने कोई मॉड्यूल ख़रीदने गए, आपने उसको देखा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मॉड्यूल नंबर लिखा हुआ है, साथ ही में एक BIS का लोगो भी लगा हुआ है, उसके नीचे एक सर्टिफिकेट का नंबर लिखा हुआ है, और साथ ही में एक R नंबर भी दिया हुआ है। अब आपको सपोज़ नहीं पता चल रहा कि भाई ये मॉड्यूल किसने बनाया है या सर्टिफिकेट किसके नाम पे है। मॉड्यूल किसने बनाया, ऑब्वियसली बात है कि भाई उसमें किसी ने ब्रांडिंग की होगी, बट ये R नंबर रियली उस ब्रांड को बिलोंग करता है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। वो चेक करना भी बहुत ही सिंपल है। आप ये BIS के वेबसाइट पे जाइए, आप यहाँ पे ये R नंबर डालिए, जैसे ही आप ये R नंबर डालेंगे आपको उस सर्टिफिकेट की पूरी कुंडली मिल जाएगी कि भाई ये R नंबर किसको बिलोंग करता है या ये सर्टिफिकेट किसको बिलोंग करता है। तो वहाँ पे आपको इस R नंबर की मदद से साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई इस मॉड्यूल का एक्चुअल मैन्युफैक्चरर कौन है या फिर इस मॉड्यूल का BIS सर्टिफिकेट होल्डर कौन है, ये सर्टिफिकेट किसके नाम पे इशू हुई है। साथ ही में आपको ये भी पता चल जाएगी भाई वो किस दिन से किस दिन तक के लिए वैलिड था। तो इस हिसाब से आप इस R नंबर को चेक भी कर सकते हैं, वैलिडेट भी कर सकते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि भाई ये BIS सर्टिफिकेट की जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो हमने नंबर्स बताए उसमें आखिर क्या क्या टेस्टिंग होती है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आपको चेक किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चूंकि ये सोलर मॉड्यूल है तो यहाँ पे दो टाइप के बेसिक पैरामीटर्स हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर और एक होता है मैकेनिकल, मतलब कि वो मॉड्यूल कितना जनरेट करने वाला है। इनफैक्ट हम सबको मालूम है कि भाई मॉड्यूल से हम बिजली जनरेट करने वाले हैं सूर्य की रोशनी से, तो हमको ये चेक करना होता है कि भाई आखिर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में या किसी एक सेट टेस्ट कंडीशन में ये मॉड्यूल कितना आउटपुट देगा। दैट इज पॉइंट नंबर वन, ये एक सेट पैरामीटर है जिसके ऊपर से आपका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक या एक सर्टिफिकेशन होता है। अब उसी तरह हमको ये भी मालूम है कि भाई ये जो मॉड्यूल है ये छत के ऊपर लगने वाला है, तो वहाँ पे कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल चीज़ें भी दिखी जाती है कि भाई ये कितने विंड स्पीड को विस्टैंड करेगा, कितनी बारिश, डैम टेस्ट, प्रेशर, हॉटस्पॉट, ऐसे कई सारे टेस्ट हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 टेस्टिंग होती है जिसके बेसिस पे इसको सर्टिफिकेशन मिलता है। अब ये जो सर्टिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, IS 14286 और IS 61730 Part 1 Part 2, इसके ऊपर और भी डॉक्यूमेंटेशन है, और आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड जो हैं, दैट इज़ 14286 और 61730 से रिलेटेड, वो चीज़ें मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। आप फुर्सत में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उन लिंक्स को क्लिक कीजिए और वहाँ से वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिए। वहाँ पे आपको पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि भाई आखिर इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे इसका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टेस्ट या सर्टिफिकेशन होता है। तो इस बात की तसल्ली रखिए कि भाई ये जो BIS अप्रूव्ड मॉड्यूल्स होते हैं इसका इलेक्ट्रिकल टेस्ट भी होता है और मैकेनिकल टेस्ट भी होता है, और इन दोनों पैरामीटर्स पे जो खरा उतरता है उसको मिलता है एक BIS का सर्टिफिकेट। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये नोवासिस का सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भले ही उनके पास मोनो का एक रेंज है उसका एक सर्टिफिकेट है और एक मल्टी का रेंज है उसका भी एक सर्टिफिकेट है, और जैसा आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, और उन्होंने जितने भी मॉड्यूल्स
टेस्टिंग के लिए दिए थे और जो क्वालिफाई हुए थे उस टेस्टिंग में, उन सब का मॉडल नंबर इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे एक और बार फिर से बता देता हूँ आपको, आप जो मॉडल नंबर खरीद रहे हैं या जो मॉड्यूल खरीद रहे हैं उसका एक मॉडल नंबर होगा, उस मॉडल को आप इससे चेक कर सकते हैं क्या वो BIS सर्टिफाइड है या नहीं। आप अपनी तसल्ली के लिए इतना कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ कि भाई आप जब मार्केट में जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है भाई शायद उस डीलर के पास उस सिस्टम का या उस मैन्युफैक्चरर का BIS सर्टिफिकेट ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं कि भाई आपको अगर ब्रांड नेम का पता लग गया तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके आप इस BIS सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकते हैं या फिर आप वहीं से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज की डेट में आप देखिए बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी वेबसाइट पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में जैसा कि मैंने बहुत पहले या कई वीडियोस में बताया कि भाई जब भी आप मॉड्यूल्स खरीदने जाएं तो आप उस मॉड्यूल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की डेटा शीट भी डाउनलोड कर लें। क्या है कि डेटा शीट में सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में लिखा रहता है कि भाई इसका डायमेंशन क्या है, इसको कौन से टेस्ट पैरामीटर्स में क्या आउटपुट है, VOC क्या है, VMP कितना है, IMP कितना है, वॉटेज कितना है और आपको कितनी वारंटीज मिल रही है, क्या गारंटीज है, सारा कुछ वहाँ पे लिखा रहता है। तो मॉड्यूल खरीदते वक्त आप इस चीज़ का भी डिमांड कर सकते हैं कि भाई मुझे एक इसका टेक्निकल डेटा शीट भी दे। इनफैक्ट ये मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल रहता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मैं आपके साथ एक BIS मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट भी शेयर करूंगा, तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भाई आज की डेट में कितने BIS अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं और आज की डेट में ALMM की भी बात की जा रही है। ALMM मतलब कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स। ये बेसिकली MNRE की तरफ से एक इनिशिएटिव है जहाँ पे अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में उनका एक लिस्ट तैयार होगी। और किसी कारणवश ये कोरोना के कारण ये लिस्ट थोड़ा सा डिले होगी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये लिस्ट ज़रूर निकलने वाली है और जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड या गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इस बात की अहमियत ज़रूर आएगी। तो मेरा मोटा मोटी कहना यही है कि भाई ऐसा अंधाधुंध कारोबार नहीं है यहाँ पे, आप एक सर्टिफाइड मॉड्यूल्स मार्केट से जाके खरीद सकते हैं और ये BIS सर्टिफिकेट उन्हीं में से एक है। तो आप अगर अपने लिए एक रिलायबल सोलर सिस्टम में एक रिलायबल सोलर मॉड्यूल्स की तलाश कर रहे हैं तो आप इन BIS सोलर मॉड्यूल्स को ऑप्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके किसी के काम आ जाए। हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर आप हमें संडे को सुबह 10:30 से 11:30 बजे जो हम लाइव इवेंट करते हैं उसमें भी जुड़ के अपने क्वेश्चन का समाधान पा सकते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी। जय हिंद।